अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फरहत हाशमी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? इस हफ्ते आपसे एक वाक्य शेयर करना चाहूंगी जो एक बेवा खातून ने मुझे लिखा। वो कहती है कि मैं अपने माजूर भाई के साथ रहती हूँ। उनके साथ एक अजीब और गरीब वाक्य पेश आया। वो ये कि उन्होंने कुछ जेवर किसी महफूज मकाम पे रखा हुआ था, तो उसमें से कोई चीज चोरी हो गई, तो उन्होंने जगह बदल दी, दोबारा फिर चोरी हो गया। तो इस पर उन्होंने लिखा कि इसकी क्या वजह हो सकती, क्योंकि अगर वो जेवर कोई चोर उठाता तो वो उसमें से सिर्फ एक चीज ना उठाता। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या वजह हो सकती है? मुझे इस पर बुखारी की वो हदीस याद आई जो आयतुल कुर्सी के बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सदका फितर के काम पर मुकर्रर किया, तो देखा कि रात के वक्त कोई शख्स आया और लब भर भर कर उसमें से चोरी करने लगा, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। इस पर उस शख्स ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं फिर नहीं आऊंगा। लेकिन अगली रात वो फिर आया, फिर उन्होंने पकड़ा, फिर उसने मिन्नतें की, तो हजरत अबू हुरैरा ने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसे कहा कि अगर इसके बाद तुम फिर आए तो मैं तुम्हारी शिकायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूंगा। तीसरे दिन चोर फिर वापस आ गया, फिर उन्होंने पकड़ा। उस पर वो कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो, तो उसके बाद मैं नहीं आ सकूंगा। हजरत अबू हुरैरा ने यह वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बयान किया, तो आपने फरमाया था वो झूठा लेकिन बात उसने सच कही, वो शैतान था। एक हकीकत है कि जब इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो एक हदीस के मुताबिक अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से उस शख्स के लिए एक निगहबान मुकर्रर कर दिया जाता है। तो जब हम रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हमारी जान, माल और औलाद की भी हिफाजत होती है। आप भी आजमाइए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।